वैज्ञानिकों ने खोजा ब्रह्मांड में नया विस्फोट माइक्रोनोवा। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमर्स की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने मिलकर एक बिल्कुल नए प्रकार के विस्फोट की खोज कर डाली है। स्पेस में ऐसा विस्फोट, ऐसा एक्सप्लोजन होता हुआ पहले किसी ने नहीं देखा था। स्पेस एक खतरनाक जगह है। स्पेस में कई प्रकार के विस्फोट होते रहते हैं। कई तरह के स्टार्स, ब्लैक होल्स, न्यूट्रॉन स्टार्स, व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स स्पेस में टकराते रहते हैं। इनमें सबसे फेमस है सुपरनोवा विस्फोट। यह तब होता है जब कोई बड़ा तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंच जाता है। इसकी हाइड्रोजन जब पूरी तरह से खत्म हो जाती है तो यह एक भयानक सुपरनोवा विस्फोट से स्पेस में चारों ओर बिखर जाता है। लेकिन फिर भी इस तारे का कोर अंत में बच जाता है, जो कि एक ब्लैक होल या न्यूट्रॉन तारा या फिर व्हाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। अब वैज्ञानिकों ने पहली बार एक अजीब विस्फोट को होते हुए स्पेस में ऑब्जर्व किया है। इसका नाम वैज्ञानिकों ने माइक्रोनोवा रखा है। वैज्ञानिकों ने यूरोपियन साउदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप VLT का उपयोग करके इन अनोखे विस्फोटों का पता लगाया है। यह एक प्रकार का थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन है। यह केवल कुछ घंटों तक ही कायम रहा। वैज्ञानिकों ने इस विस्फोट को एक व्हाइट ड्वार्फ तारे की सतह पर होते हुए देखा है। दरअसल यह एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें कि एक व्हाइट ड्वार्फ तारा है और इसके साथ एक बड़ा सामान्य तारा है। व्हाइट ड्वार्फ अपने साथी तारे के हाइड्रोजन धीरे धीरे चुरा रहा है। यही हाइड्रोजन व्हाइट ड्वार्फ स्टार पर आकर हीलियम में बदल जाती है और एक माइक्रोनोवा विस्फोट होता है। इस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा से व्हाइट ड्वार्फ स्टार की पूरी सतह जलने लगती है और कई हफ्तों तक यह व्हाइट ड्वार्फ तारा बहुत ब्राइट नजर आता है। नासा ने भी अपने टेस्ट टेलीस्कोप से इस खोज की पुष्टि की है और बताया कि यह विस्फोट व्हाइट ड्वार्फ के कुछ खास हिस्सों में ही हो रहे थे। पहली बार वैज्ञानिकों ने देखा कि किसी तारे की सतह के एक छोटे से हिस्से पर इस तरह के हाइड्रोजन फ्यूजन विस्फोट हो रहे थे। ये विस्फोट व्हाइट ड्वार्फ के मैग्नेटिक पोल्स पर ही हो रहे थे। सारी हाइड्रोजन व्हाइट ड्वार्फ के मैग्नेटिक पोल्स पर जमा हो गई थी, जिससे कि ये हाइड्रोजन बम फूट रहे थे। अगर सुपरनोवा विस्फोट से इनकी तुलना की जाए तो ये सुपरनोवा से 10 लाख गुना कम शक्तिशाली विस्फोट थे। इसीलिए इस विस्फोट का नाम माइक्रोनोवा रखा गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि माइक्रोनोवा नाम सुनकर इन्हें कम नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये स्पेस में हो रहे बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन से। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि एक माइक्रोनोवा विस्फोट में 2 करोड़ ट्रिलियन किलोग्राम हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इस हाइड्रोजन का वजन 3.5 अरब मिश्र के पिरामिडों के बराबर होगा। वैसे तो वैज्ञानिकों ने माइक्रोनोवा विस्फोटों को पहली बार देखा है, लेकिन वैज्ञानिक कह रहे हैं कि सारी गैलेक्सी में इस तरह के माइक्रोनोवा विस्फोट हो रहे हैं। ये कम वक्त के लिए दिखाई देते हैं, इसीलिए अभी तक हम इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाए थे। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि व्हाइट ड्वार्फ तारे के चारों ओर नीले रंग की एक डिस्क बन गई है। यह मुख्य तारा हाइड्रोजन की बनी है, जो कि व्हाइट ड्वार्फ तारा अपने साथी तारे से चुरा रहा है। व्हाइट ड्वार्फ तारे के स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये हाइड्रोजन इसके मैग्नेटिक पोल्स पर जमा हो रही है। जब यह गैस व्हाइट ड्वार्फ तारे की गर्म सतह पर गिरती है तो इससे माइक्रोनोवा विस्फोट होता है। दोस्तों, क्या हो अगर ऐसा कोई माइक्रोनोवा विस्फोट करने वाला व्हाइट ड्वार्फ तारा हमारे सौरमंडल के पास से गुजरे? क्या हमारी पृथ्वी किसी माइक्रोनोवा विस्फोट से निकली एनर्जी का सामना कर सकती है? यस या नो लिखकर कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों, साइंस की इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए साइंस ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस नॉलेज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपको सिर्फ एक लाइक का बटन दबाना है और हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए पेश करते रहेंगे।